जिले में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को इस वर्ष एटीएम से छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। शासन ने एटीएम से राशि भुगतान के लिए बैंक के साथ 3 साल का अनुबंध किया था, जो इस साल समाप्त हो गया। अब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि निकालने बैंक में लाइन लगाना पड़ेगा, जिसे लेकर छात्रों में नाराजगी है। इससे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता था कि सब बच्चों के हाथ में एक अलग से एटीएम होता था, और इसके ना रहने से बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है कि सभी बच्चों को नज़दीकी बैंक से खाता खुलवाना पड़ता है, और खाता खुलवाने में बच्चों की इतनी ज़्यादा संख्या है कि खाता खोलने में अधिकारियों को भी, बैंक अधिकारी वो भी आनाकानी करते हैं, और 15 दिन 1 महीने का भी समय देते हैं कि 1 महीने बाद आओ, 2 महीने बाद आओ, तो खाता खुलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। शिक्षा संघी कार्ड के माध्यम से हम लोग को जो छात्रवृत्ति था वो डायरेक्ट बाई हैंड आ जाता था, लेकिन उसके बंद होने से हम लोग को बैंकों की चक्कर लगानी पड़ रही है। और उसमें जो काम है वो प्रोसेस जो मतलब जो खाता खुलाने का प्रोसेस वो बहुत धीमी तरीके से हो रहा है, उनसे हम लोग को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हम लोग का टाइम वेस्ट भी हो रहा है। अभी जो खाता खुलाने जा रहे हैं तो उसके लिए सुबह से जाना पड़ रहा है, ये 8 बजे से, तो 8 बजे से जाएंगे और वहाँ बैंक में 10:30 बजे खुलता है बैंक, है ना, तो 10:30 बजे लाइन लगा रहो, उसके बाद टोकन दिया जाएगा, टोकन देने के बाद अब 1 बजे 1:15 बजे या फिर 1:30 बजे तक हमारी बारी नहीं आई, तो उसके बाद शाम को रुकना पड़ रहा है ना, तो उसमें पढ़ाई जो है बाधा उत्पन्न हो रही है पढ़ाई में। तो मैं चाहता हूँ कि ये कार्ड या फिर जो खाता है वो सरकार खुलवाकर स्टूडेंट को दो। बैंकों से अनुबंध शिक्षा संघी कार्ड के जारी करने के संबंध में था। शिक्षा संघी कार्ड जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी उसे अब जारी नहीं किया जाएगा, और संबंधित बैंकों में खाते के माध्यम से छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान सीधे की जाएगी। जो एटीएम उन लोगों को दिया जाता था, उस एटीएम में कोई जो दिक्कतें आई होगी उसका कार्यकाल जो है उसको नहीं बढ़ाया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। वो 3 साल के लिए था शुरुआत में, उसके पश्चात उसको नहीं बढ़ाया।